Hello Comgate family, so here I am Nara Fatima, I hope you are doing well. So Mumbai University के जो भी IDOL के students हैं, जो भी Centre for Distance Online Education के students हैं, उनके लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ एंड आपके जो भी एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बच्चे यहाँ पर पूछते हैं। सो बहुत सारे क्वेश्चंस के मैं बहुत सारे आंसर्स भी आपको वीडियो में भी देने की कोशिश करती हूँ एंड कॉमेंट्स में भी रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। सो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप इसी तरीके से पूछते रहिए एंड मैं कोशिश करूँगी कि आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकूँ। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपनी सारी चीजें जाके मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हो, कितने यूजफुल लिंक्स आपको वहां पर गिवन है सारी चीजों के। सो सबसे पहले तो आपको मुंबई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन कर लेनी है एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, CDOE जो आपको दिख रहा है यहाँ पर हाईलाइटेड है CDOE, अगर आप आइडल के स्टूडेंट हो देन आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। सो आप लोगों को पता ही होगा कि एडमिशन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहे हैं। एडमिशन होने के बाद जो आपकी डेट है, एडमिशन एंड हो जाएंगे, उसके बाद आपका स्टडी मटेरियल कलेक्शन होगा एंड देन एग्जाम्स की डेट आएगी। सो बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के भी यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम कौन से मंथ में एग्जाम होगा। तो देखो, अगर आप सेमेस्टर पैटर्न आपने चूज किया है देन आपके शायद से नवंबर या फिर दिसंबर में होंगे, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर तो चल ही रही है एंड अभी एडमिशन प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सो आपके चांसेस हैं कि नवंबर या फिर दिसंबर में होने के चांसेस हैं आपके एग्जाम्स, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप देखोगे, अगर हम राइट हैंड साइड देखें, सो यहाँ पर आपको असाइनमेंट दिखता है। कोई भी कोर्सेज के आपके असाइनमेंट है, मास्टर्स प्रोग्राम के ज्यादातर यहाँ पर होते हैं। सो अगर आप असाइनमेंट ऑफ वेरियस कोर्सेज पे क्लिक करते हो, सो यहाँ पर आपको असाइनमेंट सारे मिल जाते हैं। MA एजुकेशन का देखोगे आप, MA एजुकेशन हो गया, सेमेस्टर थर्ड हो गया, सेकेंड एंड MA एजुकेशन, MA का PGDFM का हो गया, क्वेश्चन फॉर असाइनमेंट हो गया, एक्सटेंशन डेट क्या है असाइनमेंट सबमिशन की, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाती है। बस आपको क्या करना है, चेक करना है जाके, ठीक है। एंड देन सेकेंड थिंग हम देखते हैं, असाइनमेंट के बाद हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन बैंक। सो क्वेश्चन बैंक ऑफ वेरियस कोर्सेज यहाँ पर आपको गिवन रहता है कि भाई कौन से कोर्सेज हैं, उसके क्या क्या क्वेश्चन बैंक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन बैंक जो गिवन है वो गिवन है कॉमर्स का पेपर फर्स्ट जो है आपका फर्स्ट ईयर B.Com का एंड EVS फर्स्ट ईयर B.Com एनवायरमेंटल साइंस जो है, ठीक है। सो ये आपको गिवन है एंड देन नेक्स्ट अगर हम देखें, सो सिलेबस है, सिलेबस ऑफ वेरियस कोर्सेज। बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि भाई हमारे कौन से सब्जेक्ट का, कौन से हमारे कोर्स का क्या सिलेबस है। तो देखो, जब भी मैं कोई भी आपका सब्जेक्ट स्टार्ट कराती हूँ तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न बताती हूँ कि आपका पूरा क्या सिलेबस है, पूरे सब्जेक्ट में आप क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हो एंड किस तरीके का पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सिलेबस देखना होता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। सो यहाँ पर आपको रिवाइज सिलेबस गिवन है। ह्यूमैनिटीज का अगर आप देखोगे, UG PG आपको गिवन है कौन कौन से सब्जेक्ट का किस तरीके का सिलेबस गिवन है एंड B.Com M.Com का यानी कि कॉमर्स और मैनेजमेंट का देखोगे देन आपको यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आप इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हो कि भाई आपके कौन से सब्जेक्ट का कितना सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक्स इसमें आपको कवर करने हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप सिलेबस चेक कर सकते हो एंड सिलेबस के बाद आपको वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर BSc IT के गिवन है, वीडियो लेक्चर्स आप चेक कर सकते हो एंड देन स्कॉलरशिप के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, एलिजिबिलिटी प्रोसेस इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन कि आप जो कोर्स अप्लाई कर रहे हो, जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो, या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें वहां पर करनी है, आपको किस किस चीज में पास होना है, कौन से एग्जाम आप क्वालिफाई करे हुए हो तब आप उस कोर्स में एलिजिबल हो पाओगे। सो वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा, एलिजिबिलिटी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास पेज ओपन हो जाएगा कि आपके पास क्या इंस्ट्रक्शंस गिवन है एलिजिबिलिटी के लिए, ठीक है। तो आप कोई भी कोर्स में एडमिशन लेते हो, जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट में कोर्स में एडमिशन लेते हो, सो आपके पास ये होता है कि भाई आपको 12th पास होना है, चाहे आप कोई से भी बोर्ड से हो, ठीक है। सो इस तरीके का आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओपन हो जाएगा कि भाई ये आपको गिवन है। यहाँ पर आप देखोगे कि फर्स्ट है एलिजिबिलिटी, एडमिशन इज प्रोविजन अंटिल एलिजिबिलिटी इज कन्फर्म। दूसरी चीज एलिजिबिलिटी केस क्या है, ये सारी चीजें देख लेनी है एंड देन ये तो हो गया हमारी राइट साइड की बात। अब हम लेफ्ट साइड देख लेते हैं, UGC DEB DEB ID को लेकर भी मैंने वीडियो बनाई थी कि क्या होती है, पूरी डिटेल में आप लोगों को समझाया था, ठीक है। सो जो भी बच्चे ऑनलाइन एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए DEB ID बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको स्वयं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे, ई पाठशाला हो जाएगी आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, ठीक है। सो ये आपको देखने मिल जाएगा। देन आपका वर्कशॉप हो गया एंड फेक हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने चाहिए, क्योंकि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछे होते हैं। तो यहाँ पर आपको गिवन है भाई कि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका ये आंसर होगा, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ऐसे देखने को मिल सकते हैं एंड इसी तरीके के क्वेश्चन आपके भी दिमाग में कभी कभी आते हैं, तो आप एक बार चेक कर लो यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है। सो यहाँ पर देखो, अगर बोला है कि हाउ मेनी ATKT आर अलाउड इन गेटिंग एडमिशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर, कि भाई अगर कोई स्टूडेंट जो है किसी की ATKT आती है तो वो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है या नहीं, कितनी ATKT उसके पास होंगे जब वो एडमिशन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आंसर गिवन है कि ओनली ATKT इन 2 पेपर विद एग्रीगेट ऑफ 200 मार्क्स, कि भाई अगर आपके 2 पेपर में किसी भी 2 सब्जेक्ट में ATKT है, 200 मार्क्स का ATKT है, ठीक है, तो तब आप एडमिशन ले सकते हो। बट अगर 200 से ज्यादा है तो आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले पाओगे, पहले आपको वो क्लियर करने होंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में एडमिशन लोगे, ठीक है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा आई हैव डन माई DED कोर्स आफ्टर SSC eligible for seeking admission first year B.Com। So देखो यहाँ पर बोला है कि DED कोर्स किया है आफ्टर SSC, तो इट मींस कि भाई DED कोर्स किया है, 12th किया होगा, तो इन्होंने बोला है कि भाई फर्स्ट ईयर B.Com में एडमिशन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ या नहीं। सो येस यू आर एलिजिबल, आप अगर 12th पास किए हुए हो देन आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बच्चों के एंड उनके आंसर आपको यहाँ पर इजिली अवेलेबल हो जाएंगे। सो इनमें से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को फेस कर चुके होते हैं, आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। सो ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, एक बार चेक कर लेना, आपके कोई भी क्वेश्चन हो वो इनसे क्लियर हो जाएंगे। बाकी तो मैं यहाँ पर हूँ, आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको लिंक गिवन है, फोटो गैलरी, ओल्ड क्वेश्चन पेपर हो गए, ठीक है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको एक सेमेस्टर पैटर्न का गिवन है, एक एनुअल पैटर्न का गिवन है। सो अगर आपने सेमेस्टर पैटर्न चूज किया है तो सेमेस्टर पैटर्न के चेक कीजिए। ओल्ड अगर आपने पेपर क्वेश्चन पेपर आपको देखना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं, इजीली इसको स्क्रॉल करेंगे। एंड यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न अगर हम 2024 का ओपन करते हैं, सो यहाँ पर आपको आपके जो भी स्ट्रीम है, जो भी कोर्स है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चेक करें, सो कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर B.Com सेमेस्टर फर्स्ट जन 2024 का है, ठीक है, जनवरी में जो एग्जाम हुए हैं, एंड सेमेस्टर 1 जुलाई। आपका देखो आइडल में जो होता है सेमेस्टर पैटर्न वो 2 बार होता है, ठीक है। तो पहला आपका हो गया जनवरी में एंड दूसरा हो गया जुलाई में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रहता है। अगर आप इस पर किसी का भी पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या करोगे, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे, आपके पास डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है, एंड देन उसको आप चेक कर सकते हो। सो आई होप आप लोगों के लिए सारी चीजें हेल्पफुल होंगी। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर का। देन क्वेश्चन पेपर के बाद हमें कुछ अदर लिंक्स गिवन है, सर्कुलर का, वर्चुअल क्लासरूम डाउनलोड और कॉन्टेक्ट का। सो ये सारी चीजें हैं। एंड देन यहाँ पर आपको पता ही होगा कि मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होते हैं वो आपको यहीं पर शो होते हैं, ठीक है। जैसे अभी रिसेंट जो था वो हमारा नोटिफिकेशन था, डेट एक्सटेंड हुई थी 15 अक्टूबर की। एंड कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम भी आ रही थी कि भाई उनके पास ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था, ठीक है, कि ये था मैम हम जब ओपन कर रहे हैं तो हमारे पास प्रीवियस वाले जो नोटिस है वही शो हो रहे हैं, जो रिसेंट नोटिस है वो शो नहीं हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है, बट अगर आप ओपन करोगे तो आपके पास ये शो हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी रिसेंट नोटिस है आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे जो भी इंपॉर्टेंट नोटिस आते हैं मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से। सो अभी तो एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, एडमिशन प्रोसेस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद स्टडी मटेरियल कलेक्शन को लेकर अगर कोई भी नोटिस आता है देन मैं आप लोग को अपडेट जरूर से करूंगी। सो आई होप वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।